हेलो साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है यूजीसी क्लासेस बाय एग्जाम फॉर यूट्यूब चैनल पर। जनरली स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है और स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या है, संवैधानिक संस्थान और इसके साथ ही साथ संवैधानिक संस्थान क्या होते हैं, वैधानिक संस्थान क्या है, तो जानेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ अपनी संस्कृति मैम के साथ। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं वो हैं जिनके बारे में जिक्र संविधान के किसी ना किसी आर्टिकल में कहीं ना कहीं जरूर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी के बारे में संविधान के आर्टिकल में दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस आर्टिकल में। लेकिन वही जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है उनका जिक्र संविधान में नहीं होता है, बल्कि उनको किसी एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है। तो यही सबसे बड़ा मेजर फर्क है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके बारे में भारत के संविधान के आर्टिकल में डिटेल्स दी होती, उनके बारे में जिक्र होता है। वही स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है वो संविधान के आर्टिकल्स के माध्यम से नहीं, बल्कि उन्हें किसी एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है। थैंक यू सो मच।